हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम स्टॉक इन स्पॉटलाइट में बात करने वाले मजेस्को के बारे में। जी हाँ, मजेस्को ने 19,480% का डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये जो लोग हैं, अब सभी इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं कि हम इस डिविडेंड का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या हमें ये डिविडेंड के लिए शेयर को बाय करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है रियलिटी चेक, क्या है ट्रुथ, और इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। कंपनी ने हाल ही में अपनी एक यूएस की सब्सिडरी बेची थी, जिसके कारण कंपनी के पास काफी कैश आ गया था। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का कैश आया था, जिसके चलते अब कंपनी यहाँ पे जो उस कैश को डिस्ट्रीब्यूट करेगी शेयर होल्डर्स को, तो कंपनी ने कहा है कि वो डिविडेंड के थ्रू इस कैश को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसीलिए कंपनी ने इतना ज्यादा 974 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। और कंपनी का अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो बिल्कुल 990 रुपीज है, और अगर आप कल की क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं तो कल की क्लोजिंग प्राइस से ज्यादा तो डिविडेंड दे रही है। लेकिन अब इसके पीछे क्या कहानी है, आपको क्यों नहीं बाय करना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो लोग सही में बाय करना चाहते हैं, उन्हें ये शेयर को यानी जिनको भी ये डिविडेंड कमाना है, तो उनको ये शेयर 22 दिसंबर तक खरीदना होगा। यानी 23 दिसंबर से पहले पहले आपको आपको ये शेयर खरीदना है, ताकि आप 25 दिसंबर तक, जो कि कंपनी की रिकॉर्ड डेट है, उसमें आप कंपनी की बुक्स में शेयर होल्डर रजिस्टर में आप शेयर होल्डर दिखाई देंगे, तभी आपको ये डिविडेंड मिलेगा। जी हाँ, अब ये क्यों आपको बाय नहीं करना चाहिए केवल डिविडेंड और डिविडेंड कमाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही कंपनी की एक्स डिविडेंड डेट आएगी, यानी 23 दिसंबर को, मजेस्को का जो भाव होगा वो लगभग 20 से 30 रुपए के लगभग होगा। कैसे होगा, 1,000 रुपए का यहाँ पे कंपनी ने जो अभी अगर अपन मानते हैं कि शेयर प्राइस है, उसमें से आप 974 रुपीज माइनस कर दीजिए, तो लगभग 25 से 30 रुपए बैठेगा। और शेयर प्राइस अगर ऊपर नीचे भी होता है तो लगभग 20 से 30 रुपए ऑटोमेटिकली भाव आ जाएगा। तो अगर आप आज खरीदते हैं 990 या 995 रुपीज में, तो ऑटोमेटिकली आपको जब आप एक्स डिविडेंड डेट तक होल्ड करेंगे, तो आपका भाव ऑटोमेटिकली वो 975 की चीज आपकी ऑलरेडी 20 रुपए की होगी, और आपको जो 974 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें यहाँ पे कोई आपको बड़ा गेन नहीं होगा, और यहाँ पे आप उल्टा जो अभी जो ट्रेडिंग होगी वो काफी वोलेटाइल देखने को मिल सकती है। तो इससे आपको हमारी यही राय रहेगी कि आप केवल डिविडेंड और डिविडेंड के लिए इस कंपनी को ना खरीदें। और कंपनी ने अपना बिजनेस बेच दिया यूएस का, तो यहाँ पे बिजनेस में भी कोई ज्यादा बचा नहीं है, और कंपनी के पास कोई ग्रोथ प्लान भी नहीं है। अगर कंपनी के पास कुछ ग्रोथ प्लान होता तो कंपनी उस कैश को अपने पास रखती, उसे री इन्वेस्ट करती और अपना कंपनी को बिजनेस को एक्सपेंड करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप केवल और केवल डिविडेंड कमाने के लिए इस मजेस्को को बाय ना करें, ना करें, ना करें। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और सभी मजेस्को शेयर होल्डर्स के साथ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।